हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय गिद्ध के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, भारतीय गिद्ध पुरानी दुनिया का गिद्ध है जो नई दुनिया के गिद्धों से अपने सूंघने की शक्ति में भिन्न है। यह मध्य और पश्चिमी से लेकर दक्षिणी भारत तक पाया जाता है। यह जाति खड़ी चट्टानों के सरंग में अपना घोंसला बनाती है, परंतु राजस्थान में यह अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हुए भी पाए गए हैं। अन्य गिद्धों की भांति यह भी अपमार्जक या मुर्दाखोर होता है और यह ऊँची उड़ान भरकर इंसानी आबादी के नज़दीक या जंगलों में मुर्दा पशु को ढूंढ लेते हैं और उनका आहार करते हैं। इनके चक्षु बहुत तीक्ष्ण होते हैं और काफ़ी ऊंचाई से यह अपना आहार ढूंढ लेते हैं। यह गिद्ध समूह में रहते हैं। भारतीय गिद्ध का सर गंजा होता है, उसके पंख बहुत चौड़े होते हैं तथा पूंछ के ऊपर छोटे होते हैं। इसका वजन 5 से 6 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा पंख खोलने में 1 से 2 मीटर की चौड़ाई होती है। यह जाति आज से कुछ साल पहले अपने पूरे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। 1990 के दशक में इस जाति का 90% पतन हो गया है। इसका मूलत कारण पशु दवाई डाइक्लोफिनेक है, जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने में मदद करती है। आज भारतीय गिद्धों का प्रजनन बंदी हालत में किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि खुले में जो यह विलुप्ति की कगार में पहुंच गए हैं, शायद इनकी संख्या बढ़ जाए। गिद्ध दीर्घायु होते हैं लेकिन प्रजनन में बहुत समय लगाते हैं। गिद्ध प्रजनन में 5 बरस की अवस्था में आते हैं। एक बार में 1 से 2 अंडे पैदा करते हैं, लेकिन अगर समय खराब हो तो एक ही चूजे को खिलाते हैं। यदि पर पक्षी इनके अंडे खा जाते हैं तो यह अगले साल तक प्रजनन नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारतीय गिद्ध अभी भी अपनी आबादी बढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों से गिद्धों की संख्या बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।